ओम गणेशाय नमः। ओम रीम गणिम सूर्यादित्याय नमः। तो मित्रों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सूर्य देव का। सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अभी मिथुन राशि में है और कल 16th ऑफ जुलाई को रात्रि समय सूर्य मिथुन से कर्क राशि में जा रहे हैं और ये 17th ऑफ अगस्त में जाके वापस आगे सिंह राशि में जाएंगे। ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम सूर्य देवता की बात करेंगे। सूर्य भगवान, सूर्य देव, सूर्य ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अभी मिथुन राशि में हैं और कल रात्रि को ये कर्क राशि में जा रहे हैं, जो कि चंद्रमा की राशि होती है। तो कर्क राशि जल तत्व की राशि है, तो उसमें ये जा रहे हैं। सूर्य स्वयं तो अग्नि तत्व के हैं और वो जा रहे हैं अभी जल तत्व में। हालांकि चंद्रमा और सूर्य की मित्रता है तो इसलिए अच्छा ही रहेगा। कर्क का सूर्य भी अच्छे में आता है। अब यहाँ पर मैं कुछ छोटे छोटे ब्रीफ दे देता हूँ। एक, सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करता है, महीने में एक बार, एक माह में एक बार, तो मतलब वर्ष में 12 times, उसको हम कहते हैं संक्रांति। तो अभी हो रही है कर्क संक्रांति और इतनी ही इम्पॉर्टेंट या थोड़ी सी इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है मकर संक्रांति। ये कर्क संक्रांति क्या है? इस संक्रांति, ये सावन के महीने में आती है। इस संक्रांति की इम्पॉर्टेंस ये है कि अभी देव शयन हो चुका है, भगवान विष्णु योग निद्रा में है और ये जो पीरियड यहाँ से शुरू होगा कर्क संक्रांति से लेके और धनु तक, उसके बाद मकर के बाद में तो वो उत्तरायण आ जाएंगे, अभी दक्षिणायन जा रहे हैं सूर्य, इनका मूवमेंट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जाएंगे ईस्ट टू वेस्ट ही, पर अभी दक्षिण के उधर से जाएंगे। और जब मकर से कर्क राशि तक, जो कि आज तक है, तो वो उत्तरायण कहलाता है। इस दक्षिणायन वाले आयन में या मूवमेंट में सारे जितने भी शुभ कार्य हैं वो सब नहीं होते हैं, पर यही दक्षिणायन वाला पीरियड है जिसके अंदर की पूजा पाठ, धार्मिक, स्पिरिचुअलिज्म की बातें करें, रिलीजियसनेस की बातें करें, दान की बातें करें, किसी की मदद करना, सहायता करना, चैरिटी करना, उनकी बातें करें, तो ये सब के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अभी ऐसा क्यों होता है? दक्षिणायन में सारे ग्रह, सारे प्लैनेट्स, उनकी पावर कम हो जाती है, इसलिए हम उनको और एनर्जाइज करते हैं ये पूजा तप करके, तपस्या करके, विधि विधान करके। तो इस तरीके से ये है। तो विशेष बात अभी क्या है, सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं, अब ये दक्षिणायन हो जाएंगे और ये एक ऐसा चेंज है जो कि सिर्फ एंड सिर्फ पूजा पाठ, दान दक्षिणा, विधान, यही सब के लिए है। अब सूर्य का है तो जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो हरि सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम ओम सूर्याय नमः। ओम रीम घणिम सूर्यादित्याय नमः। तो सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब देखिए, ये कर्क राशि में आ रहे हैं, तो पहले एक बात छोटे से रूप में मैं आपको उपायों की बात बता दूं शुरुआत में, वो ये है कि सूर्य का मेन प्रमुख इम्पॉर्टेंट उपाय है सूर्य को अर्घ्य दें, जल, उसके अंदर चावल, रोली और हल्दी मिला के और तांबे के बर्तन में, कॉपर वेसल में ले जाके, और 3 बार सूर्य का एक चीज याद रखिए, चाहे वो आदित्य हृदय, मैं आगे बताऊंगा, वो भी 3 times, ये जल चढ़ाने का भी जो है वो 3 times है,
अगर आप 12 बजे के बाद चढ़ाते हैं दिन को, तो फिर वो एक बार चढ़ाइए प्राश्चित या सॉरी फील करने के लिए, और फिर अगेन यू रिपीट इट फॉर 3 times। चाहे एक लोटे को लिया आपने, उसी से एक बार, दो बार, 3 बार कर दिया, और चाहे आप 3 लोटे लेके आइए, मतलब 3 बर्तन लेके आइए जो भर के लाए, और उसके भी हम कॉपर वेसल में गुड़ नहीं डाल सकते हैं, इसलिए अपने अलग हाथ में गुड़ लेके आइए, प्लेट में लेके आइए और फिर चढ़ाइए। यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि उनको गुड़ का भोग लगा दिया, कंप्लीट हो गया, यहीं पे गायत्री मंत्र 24 या 27 या 40 टाइम्स आपको रिसाइट करना है, बोलना है। मैंने हर वीडियो में बोला है कि सूर्य की उपासना हनुमान जी की उपासना बिना अधूरी है। हनुमान जी की उपासना में सूर्य का नहीं उपासना करें वो भी अधूरी है, क्योंकि ये हनुमान जी के गुरु हैं, हनुमान जी इनके शिष्य हैं। तो इसलिए आप सूर्य उपासना में आपको हनुमान चालीसा पढ़ लें, चाहे हनुमते नमः कर लें, कोई भी जो भी आप चाहें उस तरीके से कीजिए। और ये आपको और बता दूं, वो जो जल जो आपने चढ़ाया उनको, वो नीचे गिरा, कहाँ गिरा, कोशिश कीजिए कि शुद्धता के साथ ही गिरे। कोई बर्तन रख दीजिए नीचे, या आप लॉन वगैरह में खड़े होके चढ़ाइए। तो जैसे ही उनको जल चढ़ाया, वहाँ ऊपर देख के जैसे ही उनको समर्पित किया, उनको तो जल चढ़ गया। उसके बाद वो जल कहाँ गया, वो गुड़ कहाँ गया, उसकी चिंता मत कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उपाय है वो है सूर्य को जल का अर्घ्य देना, जल चढ़ाना। दूसरा, मैं अभी कुछ राशियों का बताऊंगा तो उनके लिए बोल दूंगा, वो है सूर्य के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्र है, स्त्रोत्र है, आदित्य हृदय स्त्रोत्र। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम। इसका उल्लेख है वाल्मीकि रामायण में भी है, और ये जब रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हो रहा था, तो जब रामचंद्र जी को एनर्जी लेवल की जरूरत पड़ी, जब ये 3 बार पाठ करके रामचंद्र जी भगवान ने, और ही कुड किल रावण, तो इसलिए आदित्य हृदय स्त्रोत्र के पाठ से भी अपने को एनर्जाइज करना चाहिए। अपन अपने को भी एनर्जाइज करेंगे और आदित्य हृदय स्त्रोत्र से भगवान सूर्य देव जो कि अभी दक्षिणायन होंगे उनको भी एनर्जाइज करेंगे। तो ये पढ़िए। अब बहुत से चीजें हैं और भी, पर सीधा एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और है वो थर्ड, सेकंड बेस्ट हम इसको लेते हैं, फर्स्ट बेस्ट तो जल को, सेकंड बेस्ट इसको लेते हैं, हालांकि ये थर्ड नंबर पे मैंने रखा है, वो है सूर्य की, ये जैसे मैंने कहा जपा कुसुम शंकाशम काशिपे अम्मा द्युति तमो हरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। ये प्रचलित मंत्र है, पॉपुलर मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते हैं, पर ये ब्राह्मणों से ही करवाइएगा, क्योंकि इसमें भी एक क्रियाएं और होती है, मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स, और उसके साथ में ये करते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो वही कर सकते हैं वेद पाठी जो ब्राह्मण्स हैं, जो कि बचपन से यही सीखते आ रहे हैं, उन्हीं से करवाइए। तो ये उनके उपाय जो ब्रीफ में, बाकी श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है, एक मेरी डॉटर का भी यूट्यूब चैनल है अबंडेंस एंड ग्रेस तुषार चारण, वो दोनों जगह आपको बहुत से मिल जाएंगे। हर महीने बनाते हैं हम सूर्य के लिए, तो उसमें मिल जाएंगे कि क्या क्या उपाय है। वैसे इंडिविजुअल सूर्य देव का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पर तो डिटेल में मैंने उपाय बता रखे हैं। ये हो गया। अब आइए सीधे हम 12 राशियों की बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल और सूर्य के दोनों के मित्रता है। अब देखिए कि मेष राशि से शुरू करते हैं हम। मेष राशि के ये 4th house, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, और उसके बिल्कुल सामने हाउस ऑफ जॉब कैरियर, तो उसमें ये 4th house में जा रहे हैं। 4th house मदर का घर भी होता है, लैंडेड प्रॉपर्टी का घर भी होता है, और सूर्य 4th house में बहुत अच्छी कैटेगरी में नहीं आता है,
इनको सारे उपाय करने हैं और अपनी मदर का भी ध्यान रखें और इनको अपनी जॉब बिजनेस कैरियर उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। बट क्योंकि सामने हैं इसलिए उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, उनकी जॉब में तो फायदा कुछ न कुछ तो जरूर होगा। बट बी कॉशियस, दे विल डेफिनेटली गेट सम अपलिफ्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, कुछ समझ लीजिए। तो इस तरीके से बेश। उसके बाद वृषभ राशि, वृषभ राशि की ये थर्ड हाउस में आएंगे उनके चंद्रमा से, राशि से। थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ ऑनर, नेम, फेम, स्टेटस, पराक्रम, तो इनका तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। थर्ड हाउस में सूर्य की वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। अगर उनका कोई प्रमोशन ड्यू है डेफिनेटली इसी पीरियड का जो एक महीने का है मिल जाएगा, नेम फेम भी मिल जाएगा, कुछ और कुछ अचीवमेंट हो जाएगा, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ सकती है, उनका रेटिंग बढ़ सकता है, इस तरीके से है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनका। तो इस तरीके से है सूर्य के लिए। मेरे को शुरू में बोलना चाहिए था, मेन तीन चीज़ों को हम देखते हैं। एक देखते हैं हेल्दीनेस, तो अगर इनकी कोई हेल्थ इश्यू है तो उसमें भी अच्छा रहेगा। दूसरा देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक जितने भी काम होते हैं, चाहे हमारी जॉब से रिलेटेड या जैसे कुछ घोटाले हो गए, लफड़ा हो गया, केसेस हो गए, ये सब भी सूर्य ही कंट्रोल करते हैं। वो बात अलग है कि मंगल भी आते हैं, बट मेन सूर्य है। सूर्य नेम फेम, मतलब नेम फेम तो उसी का होता है जिसके क्लीन चिट के साथ जो आगे अपनी जर्नी करता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो मोस्ट फेवरेबल पीरियड है। तीसरा जो सूर्य का मेन देखते हैं वो ये देखते हैं अबाउट द मैरिड लाइफ। बाकी तो सूर्य के हर चीज है, बहुत सी चीजें हैं, पर ये तीन बहुत हैं, हेल्दीनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक जितने भी काम होते हैं वो, उसमें बिजनेस भी आता है, और तीसरा है जो मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में सूर्य सेपरेशन के लिए बने हैं, तो इसलिए थर्ड हाउस में ये सूर्य हैं, तो उनको अभी कोई दिक्कत नहीं है उनको, बट उनको इतना सा हो सकता है कि छोटे छोटे उनके ट्रेवल्स हो सकते हैं। सेपरेशन कैसा, कि यू आर गोइंग समवेयर और आपके जो काउंटर पार्ट है, पार्टनर है, वो पीछे रह गए, या उनकी जॉब में ज़्यादा बिजी हैं, आपको जाना पड़ गया कहीं और, इस तरीके से हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं। इट्स एब्सोल्युटली फेवरेबल पीरियड फॉर टॉरसियंस, मीन्स वृषभ राशि वालों के निश्चित रूप से बहुत अच्छा पीरियड है। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की ये सेकेंड हाउस में आ रहे हैं, तो इनके कॉन्फिडेंस से, इनके स्किल से, इनके अप्रोच से, इनके पर्सुएशन से धन में वृद्धि होगी। बट क्योंकि ये सेकेंड हाउस और सेवंथ हाउस में, हर वीडियो में बोला हूँ, मार्ग स्थान भी है, तो मिथुन राशि वालों को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वो उनकी हेल्थ की बात करूँ मैं। और इस घर में वो है तो दो ही पोर्शन है, एक है आई साइट, चेहरे वाली बात करूं मैं, और दूसरा है जो कि नेवल के नीचे का पोर्शन, जस्ट अपोजिट, तो वो दोनों जगह ध्यान रखें, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली फेवरेबल। इनको उपाय नीड बेस करने चाहिए, अगर उनकी हेल्थ इश्यू खड़ा होता है तो फिर सारे उपाय कीजिएगा सूर्य के। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के तो ये स्वयं राशि पे आ रहे हैं और चंद्रमा और सूर्य की मित्रता है, चंद्रमा का तो प्रकाश ही सूर्य से है, तो वो कर्क राशि वालों के लिए भी ये फेवरेबल पीरियड है। कर्क राशि की ये ट्वेल्थ हाउस में थे, उन्होंने काफी फेस किया होगा या फेस कर रहे होंगे हेल्थ इश्यू पे, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू पे, या उनके और उनकी वाइफ के रिलेशनशिप की बात करूं उस पे, ये सब हट जाएगा। ये कोई बहुत फेवरेबल पोजीशन नहीं है, बट एक लेवल की चीज है कि बुरे से हट के अच्छे पे आया है, और यहाँ पर होने से उनको अपने पार्टनर से, तो क्योंकि सेवंथ हाउस सामने, पार्टनर से तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज उनके एडमिनिस्ट्रेटिवली जो भी काम रुके हुए थे, वेरी कॉन्फिडेंटली विद देयर पर्सुएशन दे विल मैनेज, कि कैसे भी करके आगे बढ़ जाए उनका काम जो रुके हुए हैं, वो सब प्रशासनिक जो भी काम रुके हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। हेल्थ में भी निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि की ये ट्वेल्थ हाउस में जा रहे हैं, हाउस ऑफ लॉसेज, पार्टनर की बात करें,
उनके और उनके बीच में, क्योंकि ये शयन कक्ष वाला भी घर है तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनके लॉसेज हो सकते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। उनका थोड़ा बहुत एक एलिमेंट है जिसमें मैं कहूँगा हल्का सा कि उनकी इंसल्ट भी हो सकती है। उनको सारे उपाय करने हैं जितने भी मैंने बताए। उसके बाद कन्या राशि, कन्या राशि की 11th हाउस में आएंगे विच इज हाउस ऑफ प्रॉफिट। तो कन्या राशि वालों के जैसे वृषभ का बोला उससे भी बेटर का प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। उनके जो भी बिजनेस जॉब है उसमें रेटिंग बढ़ेगी, उनका प्रमोशन, उनका पैसा, बिजनेस में देर आउटर्न और आउटपुट विल इम्प्रूव, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कन्या राशि के यहाँ पर एक और चीज भी अच्छी हो जाएगी, वो ये होगी कि उनके कोई मान सम्मान में भी रेटिंग बढ़ सकती है, उनकी मान सम्मान में भी रेटिंग बढ़ सकती है। तो कन्या राशि वालों को कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली दिस इज ए फेवरेबल पोजीशन ऑफ सन एज फॉर एज वर्गो पर्सन आर कंसर्न। तो इसलिए बहुत अच्छा पीरियड है उनका। उनके अभी कोई शादी या उसका मैरिज या मैरिड लाइफ कुछ है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि की ये 10th हाउस में आएंगे, 10th हाउस में भी सूर्य कारक माना जाता है कुछ हद तक। तो उनके जो अनएम्प्लॉयड हैं या जैसे पढ़ाई कर रहे हैं और उस पढ़ाई के कोर्स से ही उनको जॉब मिलनी है, उन सब के लिए ये फेवरेबल है। यू अप्लाई इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज उसमें, और प्रशासनिक वाले में तो जरूर जरूर इसमें अपीयर होना चाहिए, जिससे उनको डेफिनेटली दे विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। ये जो तुला राशि वालों के लिए तीनों ही एरिया में फायदा है। बस उनको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि उनकी मदर, अगर आप छोटे हैं और आपकी मदर हैं तो उनका जरूर ध्यान रखिए, बाकी सब अच्छा है। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अभी तक ये 8th हाउस में थे जो भी सबसे खराब पोजीशन होती है, अब वो 9th भाग्य भवन में आएंगे। और ये पिता का घर भी होता है तो वृश्चिक राशि वालों के पिता का डेफिनेटली बहुत अच्छा होना है इसी पीरियड में। उनका स्वयं का भी भाग्य के कारण बहुत सी अच्छी चीजें होनी है, जैसे मैंने कहा हेल्थीनेस। तो हेल्थ की बात करें तो अगर कोई बीमारी है, क्योंकि 8th हाउस वह हेल्थ का डाउन करता है, तो वो हट जाएगी, उसमें बहुत फायदा होगा, उसमें डायग्नोस हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, कुछ कुछ बहुत अच्छा होगा। दूसरा, वो अगर उनकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो हट जाएगी। उन अनएम्प्लॉयड हैं एंड ट्राइंग फॉर गेटिंग द जॉब, तो भाग्य से उनको जॉब मिलेगी, भाग्य से वो अच्छा कोर्स कर पाएंगे, ये सारा उनके लिए है। तो दिस इज एब्सोल्युटली फेवरेबल पीरियड फॉर वृश्चिक राशि ऑल्सो। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि के ये अभी 8th हाउस में है। उनकी हेल्थ की बात करूं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी है उसकी बात करूं, उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करूं, उन सब में कमजोरी रहेगी। ऑल एरियाज विच आर अकाउंटेबल ऑन अकाउंट ऑफ सन या सूर्य से जुड़े हुए जो भी एरियाज होते हैं, मैंने प्रमुख तीन बताए हैं। स्पेशली इसमें मैं ये कहूँगा अपने हार्ट का भी ध्यान रखिएगा, उसमें भी आप, और डेफिनेटली डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखिएगा। तो ये उनको सब उपाय करने, A to Z जाप पूजा तक की भी बात की है मैंने, वो इनको भी करने हैं। उधर मैंने सिंह राशि वालों के लिए भी कहा उनको भी करने। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि केंद्र स्थान में आएंगे ये, तो जो जॉब से रिलेटेड है, प्रशासनिक जितने रिलेटेड है वो सब बढ़िया है, बट ये भी मार्ग स्थान है तो इसमें हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। और ये 7th हाउस इज हाउस ऑफ पार्टनर, तो उसमें आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो वो भी ध्यान रखिएगा। बाकी जॉब से रिलेटेड जितने भी हैं आपकी, चाहे पढ़ाई की बात करें, कोर्सेज की बात करें, चाहे आपकी जॉब डायरेक्ट जॉब की बात करें, रेटिंग की बात करें, इन सब में फायदा होगा मकर राशि का। उसके बाद आइए कुंभ राशि।
मकर राशि वालों को एक चीज कहना भूल गया, अगर आपके कोई हेल्थ इश्यू आता है या पार्टनर वाले में आता है तो फिर सारे उपाय कीजिएगा, उसमें छोटा बड़ा नहीं, सारे उपाय कीजिएगा सूर्य नीट पेस। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि में ये सिक्स हाउस में आएंगे तो अगर इनकी किसी से झगड़ा शत्रुता वो सब अभी समाप्त हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली दे विल बी इन ए पोजिशन टू कर देयर ऑल दीज थिंग्स, वो अपने आप आपको ज्वाइन कर लेंगे। वो आपसे इतने ज्यादा प्रभावित या इतना ज्यादा डर के कारण या इतने ज्यादा आपके ऑरा के कारण वो समर्पित हो जाएंगे आपको, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। सब अच्छी चीज है यहाँ पर, बट यहाँ पर दो ही चीजें खराब है। एक है उनका हेल्थ इश्यू, हेल्थ का ध्यान रखें कुंभ राशि वालों के लिए विशेष। दूसरा सामने ट्वेल्थ हाउस है शयन कक्ष वाला, उनके और उनके पार्टनर की दोनों की हेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, उनके और उनके पार्टनर के झगड़े की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, उनके और उनके पार्टनर के एक टाइम बीइंग फोर्स्ड सेपरेशन, मे बी बिकॉज ऑफ द जॉब, मे बी बिकॉज ऑफ जैसे आजकल कोई घूमने जा रहा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, इस तरीके से उनका हो सकता है। अगर आपके नीड बेस हेल्थ का और पार्टनर से कुछ ज़्यादा उलझने वाली बात हो तो उनको भी सारे उपाय करने हैं, नॉट वन टू, वन टू थ्री, ऑल द थ्री जो मैंने आपसे कहे वो सब करने हैं, वो सब करने हैं। सिक्स्थ हाउस रोग स्थान है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि सूर्य को जब वहाँ पर आप अर्घ्य दें उसके बाद में आप एक मंदार का पुष्प, सफेद आग का पुष्प वो जरूर जरूर चढ़ाइए उनको। अगर आपके पास सूर्य का यंत्र या जो भी मेटेलिक बना हुआ है उसका पूजन करते हैं तो उस पर चढ़ाइए, नहीं तो अर्घ के बाद में वहाँ भी चढ़ाइए मंदार का पुष्प, ये आपको आरोग्यता में हेल्प करेगा। तो मीन राशि, मीन राशि में सूर्य फिफ्थ हाउस में आए, तो फिफ्थ हाउस में देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज है, जितने भी आपका आउटपुट है, परफॉर्मेंस है, नेम फेम है, जॉब कैरियर बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज है, उन सब में आपका प्लस प्लस होता जाएगा। ये आपकी संतान का घर भी है तो इसलिए संतान का भी कुछ अच्छा होगा। इसी तरीके से उनके अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको भी निश्चित रूप से फायदा होगा। इनको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो पार्टनर वाला है कि अगर वो दिक्कत हो तो उनको उपाय करने हैं, अदरवाइज इनको भी कोई उपाय नहीं करना है। अगर वो जल चढ़ा सकते हो एकमात्र, वैसे भी हमारे धर्म में ये है कि पंचदेवों की पूजा डेली होनी चाहिए, उन पंचदेव में सूर्य देव भी आते हैं, जैसे गणेश जी, गणेश जी के मदर दुर्गा जी, गणेश जी के फादर भगवान शिव, विष्णु और सूर्य, ये पांच पंचदेव में आते हैं और विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी भी आएंगे, तो इन पंचदेव की डेली पूजा होनी चाहिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो सूर्य देव को जल तो हर सनातनी को, हर एक को चढ़ाना चाहिए और 365 डेज चढ़ाना चाहिए, तो वो आपको भी चढ़ाना चाहिए। पर आपके लिए स्पेसिफिक मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि ये उपाय कीजिए मीन राशि वालों को। तो इस तरीके से मित्रों सब राशियों की बात हो गई। अब मैं यहाँ एक और वापस रिपीट कर रहा हूं ये कि ये दक्षिणायन सूर्य का जो पीरियड है कर्क राशि पे ये जा रहे हैं और मैं हर महीने डालूंगा, कर्क के बाद में सिंह आएगी, फिर कन्या, ऐसे करते करते धनु राशि, मतलब एक माह पहले 14 जनवरी से, तो 14 दिसंबर के आसपास ये धनु में जाएंगे और 14 जनवरी को ये मकर में आएंगे, 14 जनवरी को ये मकर में आएंगे, वहां तक हर दिन सूर्य की उपासना प्रयत्न करके, कोशिश करके, आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, कहीं पे घर में बैठे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, बाथरूम में नहीं और नींद में नहीं,
ओम सूर्याय नमः कर लेंगे, वो भी बहुत है, क्योंकि ये पीरियड ऐसा ही है दक्षिणायन के मूवमेंट में, वेयर ये देवताओं की रात्रि मान लीजिए ये पीरियड पूरा, ये जो कर्क संक्रांति से लेके और मकर संक्रांति होने तक, ये पीरियड ऐसा है जिसमें कि हमें निश्चित रूप से पूर्ण रूप से समर्पित भाव से श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन करना चाहिए सभी देवी देवताओं का, और सूर्य का विशेष, क्योंकि सूर्य ही यथार्थ है, सूर्य ही हमें दिखता है, दर्शन होते हैं और सूर्य से ही हम एनर्जाइज होते हैं बॉडी के हर सेल को। अगर किसी से ज्यादा जो एनर्जी मिलती है तो वो सूर्य से मिलती है, जैसे कि चंद्रमा से माइंड को एनर्जी मिलती है, तो या सारे शरीर को सूर्य से मिलती है। ऑल द वेरी बेस्ट माई डियर फ्रेंड्स। ओम नमो सूर्याय, सूर्यादित्याय नमः, रेम गणिम सूर्यादित्याय नमः। ऑल द वेरी